नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का ऑफर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक Redmi का मोबाइल है, Redmi 4A, और इसमें हमारा MI अकाउंट लग गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने Redmi मोबाइल का MI अकाउंट किस प्रकार से रिमूव कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक Redmi का मोबाइल है, Redmi 4A, और इसमें हमारा MI अकाउंट लग गया। हमने इसको फॉर्मेट करके देख लिया, लेकिन फिर भी हमारा बार बार हमारा MI अकाउंट ही मांगता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने Redmi 4A मोबाइल का MI अकाउंट किस प्रकार से रिमूव कर सकते हो, और Redmi 4A ही नहीं, आप किसी भी Redmi मोबाइल का MI अकाउंट किस प्रकार से रिमूव कर सकते हो। तो देखिए, इसके लिए आपको EDL मोड पर आपको लाना होगा और कंप्यूटर की आपको हेल्प लेनी होगी। तो इसको हम ओपन करते हैं। हमने इसको ओपन कर रखा है। किस प्रकार से EDL मोड पे हम लेंगे, ये देखिए, आपको बैक कवर ना ओपन करना है और आपको यहाँ से ओपन करना। तो ये हमने सारे स्क्रू ओपन कर रखे हैं। आपको ये सारा का सारा ओपन करने के बाद में ये आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए, ओपन करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जो ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर है, यहाँ पर दो पॉइंट्स हमारे, इसको हमें ट्वीज़र की हेल्प से इसको शॉर्ट करना होगा और हमें बैटरी को रिमूव कर देना है और हमारी जो इसके ड्राइवर है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है और हमें USB केबल को इंसर्ट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको USB केबल को इंसर्ट करेंगे सिस्टम में और सिस्टम पर आपको ले चल रहे हैं हम। तो देखिए आपको क्या करना होगा, USB केबल इंसर्ट करनी है और आपको बैटरी कनेक्टर अप कर लेना है, और USB केबल को इंसर्ट करते ही आपको यहाँ पर दोनों को शॉर्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, आगे हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, हमें इसके लिए हमारा MIKO टूल हमें ओपन करना है और हमें इसको EDL मोड पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे मोबाइल को ओपन करना है और हमारे इसके अंदर USB को हम इंसर्ट करेंगे और हमारे जो ये दो पॉइंट्स हैं इसको हम शॉर्ट करेंगे और USB केबल को इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए, ऑन ऑफ का स्विच है और ये हम इसको शॉर्ट करेंगे और देखिए हमारा ये USB कनेक्ट हो चुका है और हमारा कॉम हमारा डिटेक्ट हो चुका है और हमें इस पर इसको रीसेट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये बिल्कुल रीसेट हो चुका है, MI अकाउंट रिमूव हो चुका है। अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं और हमारी बैटरी कनेक्टर का हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं और अब हम इसको स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो देखिए हमारा डिवाइस ऑन हो रहा है। ये देखिए, हमारा MI अकाउंट रिमूव हो चुका है।